और छोड़ यार, शादी के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, सब अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, जैसे तू भूल गया। हाँ और बता कैसा है, भाभी जी कैसी हैं? शादी के बाद मैंने सुना बड़ा तू डोले शोले बनाने लगा है आजकल, मेंटेन रहता है। और मतलब क्या है ना कि भाभी जी तू मार्केटिंग के लिए भेजती होंगी, घर का काम कराती होंगी, ऑटोमेटिकली आदमी बंदा मेंटेन रहता है। और बता क्या बात कर रहा है यार, तेनू लगता मैं ऐसा बोलूंगा? अब तू ठहर, अब जिसने तुझे ये बात कही है ना उसकी ऐसी की तैसी ना करी, फिर देखना तो सर पे जो दो तीन बाल बचे हैं ना वो भी नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, राकेश से बात करेगा? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ बॉबी तो इधर बैठा है, पीटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया उसे? काम करते करते गिर गई, तो जाना चाहिए अर्जेंट। ठीक है। सुहासनी, सुहासनी तुमने तो सुन लिया ना उसने क्या कहा, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे जाना जाना होगा। But sir, ये project... तुम एक काम करो, मेरा मोबाइल नंबर रख लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे फोन कर देना। सुहासनी प्लीज मैनेज, इतना तुम कर ही सकती हो ना। देखो कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके सर। जा रहा हूँ, बाय। कल क्लाइंट को प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या कर रही थी तुम? गॉसिप? नो सर। फिर क्या कर रही थी तुम केबिन में, स्वेटर बुन रही थी? नो सर। फिर क्या कर रही थी, चटनी के साथ ब्रेड पकौड़े खा रही थी? काम पूरा क्यों नहीं हुआ मैं पूछ रहा हूँ। दरअसल सर एक जगह कुछ कंफ्यूजन हो गया तो मैं। बहाने मत बनाओ, मैं पूछ रहा हूँ काम पूरा क्यों नहीं हुआ। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नो एक्सक्यूजेस, मुझे एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए। रहने दीजिए सर, अभी नई नई है, धीरे धीरे यहाँ का वर्क कल्चर समझ जाएगी। मैं समझ। देखो सुहासनी, हम लोग यहाँ पर काम को पूजा मानते हैं, पूजा। ये ऑफिस एक ऑफिस नहीं, मंदिर है हमारे लिए। फिजूल की बातों पर ध्यान देने के बजाय काम की तरफ भक्ति भाव जगाओ, वरना बॉस का नेचर तो तुम जानती हो, मिनटों में गेट आउट कर देते हैं। चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो, कल सुबह तक तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए, बस गेट आउट। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, सर के सामने मेरा इंप्रेशन डाउन हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम इतने बेरहम हो कि सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं देर देर रात तक यहाँ काम करती हूँ, सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती हूँ, 6 बजे भरतनाट्यम क्लासेस जाती हूँ, वहां से यहाँ आती हूँ, देर रात तक काम करती हूँ। पता है पिछले 2 हफ्ते से मैं सिर्फ 2 घंटे सो रही हूँ। अगर तुम अपनी मटर गश्ती कम करते, काम में थोड़ा सा मेरा हाथ बटाते, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती।